सन्मानीय गुरु रूप सत्संग जीओ गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेट करां पेशतर गुरुदेव दी सनिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपसी विचार हुई सी सेठी साहब नाल कि कोई लड़ी वार विचार गुरबाणी दी, क्योंकि लड़ी वार लंबिया वड़िया बाणिया दिया करीबन करीबन दास दिया टेपा बनिया हुई ने। गाथा है, संस्कृति सलोक है, फोने छंद ने, कबीर दे सलोक ने, फरीद दे सलोक ने, और इस तो इलावा संस्कृति सलोक ने। तो एक दिमाग मेरा बनया भी मूल मंत्र और फिर संजोग बनया जब जी साहब एक ते चुंके दास ने जब जी साहब दी विचार स्टूडियो दे सिर्फ 28 मिनट दी बंदिश होंदी है और 28 मिनटां च एक पौड़ी पूरी करनी होंदी है। संगत दे चुंके इस तरह दी गल नहीं है, इस वास्ते खुले रूप विच कुछ गल कही जा सकती है, खुले विचार पेश कीते जा सकते ने। तो मूल बुनियाद ऐसे भी कुछ महापुरुषां दे मंत्र आउंदे ने। मंत्र कहिंदे ने बोल नूं, पंजाबी च असीं कहिंदे आ वाक, बोलना। संस्कृत दे च कहिंदे ने मंत्र, फलाने दा मंत्र है। मंत्र दे अखरी अर्थ ही ने फलाने दा बोल है, होर मंत्र दे अर्थ नहीं ने कुछ। गुरु मंत्र गुरु दा बोल, गुरु दा वाक, गुरु दी आवाज, अर्थ यही बनते ने मंत्र दे। चूंकि भारत दी प्राचीन भाषा ते पुराने सारे धर्म ग्रंथां दी भाषा संस्कृत रही है, ते संस्कृत दे च बोल नूं कहिंदे ने मंत्र। फलाने दे मंत्र ने भाव, फलाने दे बोल ने। मनुख करीबन करीबन 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, 10% बाकी व्यवहार नाल। तुसी किसे दी अखां वेख के, कन वेख के, नक वेख के, हाथ पैर वेख के कुछ अंदाजा नहीं ला सकते कि ए की है, ए मनुख की है। किस तरह अंदाजा लाओगे? मनुख नूं नापण ते तोलण दा ढंग है उसकी गुफ्तगू, उसके बोल। कुछ धार्मिक विद्वान तो ऐसा कहने 99% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, लेकिन बहुगिणती दे विचारक कहने 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, बाकी 10% उहदे नैन वेख के, उहदा मत्था वेख के, उहदा चेहरा वेख के अंदाजे लगदे ने। उह हर मनुख ला नहीं सकदा अंदाजा, लेकिन बोल अगर उसे दी भाषा दे जो स्रोता समझदा है, जानदा है, आख्या जाए तो मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट आउंदा है, या इंज कह लईए 99% प्रगट आउंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ते कथन अनुसार परमात्मा 100% शब्द राही प्रगट आउंदा है, बोल राही प्रगट आउंदा है। उंज नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा वो की है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ईश्वर वेखण दा विशा नहीं, ईश्वर सूंघण दा विशा नहीं, और ईश्वर स्पर्श करण दा विशा नहीं। इसनों गुरु नानक देव जी कहिंदे ने सिर्फ सुनना, ते सुन के ही पता चलेगा वो की है। तो किस तो सुनीए ते की सुनीए, उसे दे बोल सुनीए, परमात्मा दे बोल सुनीए। तो परमात्मा दे बोल की ने? असी अवतारी पुरुष, पैगंबरी पुरुष उन्हां नूं आख्या है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਜੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਗ ਮਾਇ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ। ਸਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੋਵੇ ਸਤ ਬਚਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਤਨਾ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਰਾਹੀਂ, ਬੋਲਤ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਕੋ ਥਾਟ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਵੇ ਨਿਕਸੇ ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਟ। ਦਸ ਵੀਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਕਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਲਿਖੇ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਿਆ, ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਇਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਿਆਸ, ਇਸੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਨੇ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਪ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਅਗਰ ਇਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਗੱਲ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੂਪ ਤਨ ਦੇ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਕਰੂਪ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਦੇ 'ਚੋਂ ਇਤਨਾ ਸਵਪਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜਮਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ,
अपने जमाने का सब तो करूप बंदा। अगर बारहवें अंदाजा लैना है तो कह सकते हैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, बच्चे अंदाजा ला सकते हैं, कहते ना अष्टावक्र बाहर निकलता सी, बच्चे पत्थर मारते सन उस, बच्चे पागल पागल करके कहते सन, लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, हर अंग टेढ़ा, अष्टवक्र अठां थावां तो टेढ़ा सी। यकीन जानो मनुख ना अपनी नक राही प्रगट आउंदा है, ना अपने अखां राही प्रगट आउंदा है, ना अपनी नेत्रां राही प्रगट आउंदा है, ना हथ पैरां राही। मनुख दा अंतिशकरण प्रगट आउंदा है उसदे बोलां तो। बोलत ही पहचानी है, साध असाध को साध। इन्हां बोलां विच दुख है, इन्हां बोलां विच प्रसन्नता है, इन्हां बोलां विच मूर्खता है, इन्हां बोलां विच ज्ञान है, इन्हां बोलां विच नफरत है, इन्हां बोलां विच प्रेम है, इस बोल विच वितकरा है, इस बोल विच समदृष्टि है। बोल बहुत कुछ दसदे ने, बोलों तो बहुत कुछ पता चलता है। मनुख 99% सहमता में प्राचीन सनातनी ऋषियां नाल के 99% मनुख अपने बोलों राही प्रगट है। अज दे आचार्य कहिंदे ने घट तो घट 90% मनुख अपने बोलों राही प्रगट आउंदा है, 10% बाकी अंदाजा कोई सियाने ला सकदे ने, कोई विरले। नेत्र वेख के, इस दे मस्तक दे हाव भाव वेख के, पर यह हर बंदे दी खेड नहीं आउंदी। जैसे हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आउंदा ते पदार्थ दे गहरे तल दे च नहीं जांदा, हर मनुख कोई संगीतकार भी नहीं है कि सुरां दी गहराई चला जाए, हर मनुख चित्रकार भी नहीं आउंदा कि रंगां दी बारीकी नूं समझ जाए। यकीन जाणो एक दरख्त सानूं हरा दिखाई देंदा है, पर एक चित्रकार नूं उसे एक दरखत दे पता नहीं कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। उंज मैनूं नहीं पता चलना सी, एक कवि है अक्सरदास दे नाल इंडिया दे भ्रमण करदा है, कवि रोशन करके, प्यारा सिंह रोशन, पर चित्रकार भी बड़ा गजब दा है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां, होर धार्मिक अस्थाना दियां बड़ियां सोहणियां सोहणियां तस्वीरां बनाईयां ने। एक दिन शौकिया तौर पर किधर मेरी तस्वीर बना के लिया, मैं कि तू तो बड़ा बाकमाल आर्टिस्ट है। अलवर के पहाड़ के कोल एक दरख्त उसनू पसंद आ गया, कहिंदा मैं इहदी तस्वीर बनानी है। ते मैं कहा ठीक है बना। कहिंदा इत्थों रंग मिल जाण के, मैं रंग नहीं ले आया अमृतसर तो। मैं कहा रंग तैनू ले देने, हरा रंग तैनू चाहीदा होना है। कहिंदा नहीं गया नहीं जी, 10-15 रंग चाहिए ने। मैं दरख्त हरा है, दरख्त की तस्वीर बनानी है ना, तो दरख्त का चित्र बनाना है। कहिंदा नहीं, दरख्त विच सैकड़े रंग ने, सैकड़े रंग ने। मैं हैरान होया, दरख्त विच सैकड़े रंग, सारे पत्ते हरे ने, सारे तो हरा ही है। कहिंदा नहीं, इन्हां हरे पत्तियां दे भी सैकड़े तरह का हरा रंग है, मैनू देने पैणगे, एक रंग नाल गल नहीं बनेगी। तो एक चित्रकार जितना रंगा की गहराई च जांदा है, आम मनुख नहीं जा सकता। आम मनुख ने तो दिसेगा दरख्त हरा है, पर यकीन जानो किथे गहरा हरा है, किधरे फिक्का हरा है, किधरे कुछ थोड़ा जिहा जर्दी मायल है। ये बहुत सारे रंग इक्को ही दरख्त दे एक चित्रकार नूं दिखाई दे सकते ने, दूसरे नूं नहीं। तो जैसे हर मनुख कोई चित्रकार नहीं आउंदा, हर मनुख संगतराश नहीं आउंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं आउंदा, हर मनुख दार्शनिक नहीं आउंदा, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आउंदा, हर मनुख मनुख दा सिर्फ मुंह मत्था वेख के कुछ नहीं अंदाजा ला सकदा। अगर अंदाजा लांदा है तो करीबन करीबन गलत आउंदे ने अक्सर लोगां दे, क्योंकि मनुख प्रगट आउंदा है अपने बोलां राही। प्राचीन ऋषि मुनिया दे कथन अनुसार 99%, अज दे धार्मिक आचार्य कहिंदे ने 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट आउंदा है,
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲਨ ਥਾ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਬੋਲ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਦ ਬੁੱਤ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਮਨੁੱਖ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਹੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਤ ਦੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਗਤ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸਨ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੀ। ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਹੱਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਹੀ ਤੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
मैं बैराग की गल करनी है, त्याग की गल करनी है थोड़े कोल है, मैं सबर की गल करनी है, संतोख की गल करनी है थोड़े कोल है, मैं शुद्ध हिरदे की गल करनी है, ज्ञान की गल करनी है थोड़े कोल है, एवें मैं खपा फिजूल वकत जाया करना। स्रोते कोई नहीं। कहिंदे सैकड़ां दा इकट्ठ सी, ब्रह्मे ने जिद कीती नहीं। स्रोते आउणगे, सुणावांगा। तो गाथा है, देवतियां दे च कथा करदा सी, भाव ज्ञानियां दे च कथा करदा सी, जो ज्ञान नूं सुन सकदे सन, प्रेम नूं सुन सकदे सन। इतनी ताब सी उहनां दे च, इतनी हिम्मत सी उहनां दे च। इन्हां सारियां स्रोतियां च एक दिन ब्रह्मा कहिंदा है, मैं वो कुछ लिखना चाहना कि सब कुछ मेरी लेखनी च आ जाए, मैं वो कुछ कहना चाहना कि सब कुछ मेरे कहने च आ जाए, मेरे कहने तो बाहर कुछ भी ना होवे, मेरी लेखनी तो बाहर कुछ भी ना होवे। विष्णु ने कहा, लै मैं तेनू आसीस देना कि तेनू सफलता मिले, मैं तेनू आसीस देना। शिव जी हाथ जोड़ के कहन लगे, ब्रह्मा चलो पता चल जाएगा कि अकल थोड़ी कितनी विस्तार धारण कर सकती है, कितना कुछ थोड़ी अकल दे चा सकता है, ये भांडा किन्ना क वड्डा है, थोड़ी बुद्धि दा ये भांडा किन्ना क वड्डा है, ये सब कुछ आ जाएगा। जिस दिन आवेगा मैं उस दिन आशीर्वाद थानू देंगा, अज नहीं। शिवजी इंज कहंदा है, जिस दिन सब कुछ थोड़े अकल दे भांडे दे च आ जाएगा, मैं उस दिन थानू आसीस देंगा। विष्णु कहंदा, मेरा आशीर्वाद तू अपने काम दे सफल होवें। बुढ़ा हो गया, खोज करदिया करदिया बिरध हो गया, अखां जवाब देन लग पईआं, काफी बुजुर्ग होया, ते इन्हां अखां च एक दिन देवतियां दिच बैठा कथा सुनानी है, ते पता की आखिया इसने, अज मैं जबान नाल नहीं बोलना, ते रो पिया, अखां सजल हो गईयां, फिर जारो जार रो पिया। स्रोतियां च विष्णु भी बैठा है, शिवजी भी बैठा है, ते विष्णु कहिंदे ना, अज ते तुसी आखरी गल करनी सी, अज ते कथा दी समाप्ति सी, अज ते गल मुकम्मल करनी सी, पता है जबान चो की निकलिया, नेती नेती, जो कुछ भी मैं कहा है ये नहीं है, नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये आखरी बोल ने ब्रह्मे दे, इस नाल ही वेद समाप्त होए, नेती नेती, जो कुछ मैं खोजे है ये सब कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, और सब कुछ मेरे अकल दे भांड च नहीं आ सकता, नेती नेती। धार्मिक जगत दे च ये शब्द बड़े प्रचलित हो गए, नेती नहीं है, ये भी नहीं, जो कुछ मैं कह ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं, मेरे बोल अधूरे, मेरे बोल अधूरे। ते पता है शिवजी ने की आख्या, जिस दिन किसी नूं ऐसा महसूस होंदा है मैं अधूरा कुछ भी करा, उसे दिन उसके अंदर पूर्णता प्रगट होंदी है, उस तो पहले होंदी भी नहीं, उसे दिन बूंद सागर बनती है, उस तो पहले होंदी ही नहीं, और जब सागर हो जाती है तो फिर उसनूं कहने की लोड़ भी नहीं पैंदी, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, दुनिया भर दे इस तरह के दार्शनिक चिंतक विचारक अवतारी पुरुष, इन्हों का कहना है 99% मनुख अपने बोलों राही प्रगट होंदा है। कृष्ण की ने,
ये गीता पढ़नी पड़ेगी, राम की ने रामायण तो पता चलेगा, उपनिषदा दे ऋषि की ने ये उपनिषदा नू पढ़न तो पता चलेगा। और मैं हैरान होया किसी भी उपनिषद ते लिखारी दा नाम नहीं है, काठो उपनिषद, मारकंडा उपनिषद, इस तरह दी 8-10 उपनिषदा दास ने देखिया। मैं हैरान भी आखिर लिखिया किसने, ये उपनिषदा किस दियां ने, कुछ भी नहीं लिखिया। 108 उपनिषदा ने, तो कम से कम 108 बंदियां दे नाम होने चाहिए ने, 108 ऋषियां दे नाम होने चाहिए ने, नहीं ने। आखिरी शब्दां दे उपनिषद दी आखिर दे कहिंदे ने ऐसे खो गए, ऐसे मिट गए, अपना नाम भी चेते नहीं रहा, नहीं ख्याल आया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहिंदे ने मेरे छुपे रहण दी चाह, हुण ते छुप जाइए ओही प्रगट होवे, खत्म हो जाइए। भगत बीखन जी कहिंदे ने अनक जतन कर हिरदे राख्या, रतन ना छपे छपाया, छुपाण दी कोशिश कीती है पर मैं ते चलो अपने आप नू छुपाण दी कोशिश कीती है, पर जिसनू छुपाण दी कोशिश कीती उते प्रगट हो गया, जिसनू छुपाण दी कोशिश कीती है कित्थों प्रगट होया, बोलां तो परमात्मा बोलां राही प्रगट होंदा है। ठाकुर हमरा सद बोलनता, ठाकुर सद बोल रहे है ते ए बोल जिस दी पकड़ दे चा जन असी उसनू कहिंदे आ ब्रह्म ज्ञानी अवतार। मुहम्मद साहब ने कह दिता सी कुरान खुदा दे बोल ने, नाजल होईयां ने, मेरे बोल नहीं ने। इन्हां दी पत्नी खदीजा उसने ही कह दिता हां मैं ऐलानिया कह सकदी हां थोड़े बोल नहीं ने क्योंकि तुसी अनपढ़ हो, तुसी कवि नहीं हो, शायर नहीं हो, तुसी अल्फाजा नू इस ढंग दी तरतीब नहीं दे सकदे जिहड़ी दित्ती है तुसी। और पहली दफा जो कुछ मैं सुन रही हां ये मैं दावे नाल कहनी हां ये बोल थोड़े नहीं ने, ये तुसी नहीं बोल सकदे। और उत्थे ही मम्मद साहब कहिंदे ने मैं किथे बोल सकदा, खुदा बोल रहा है, ये नाजल हो रहा है, खुदा दे बोल ने, मेरे नहीं ने। कहिंदे ने इस्लामी जगत दे च मुसलमानां दी गिणती खदीजा तो आउंदी है, पहली मुसलमान है, इस तों बाद इस्लाम फैलिया। सिख जगत दे विचारक भी ऐसा कहिंदे ने पहला सिख बेबे नानकी, इस्त्री दे अंदर भावना बड़ी प्रबल होंदी है, भरोसा बहुत छेती करती है स्वभावक। पुरुष दे अंदर तर्क बड़ा प्रधान होंदा है, एक दफा परमात्मा भी साक्षात किधरे प्रगट होवे ते किंतु परंतु उस नाल भी करेगा, इसने करना है, इसकी अकल ऐसी है। मनुख तर्क करता है, पुरुष तर्क करता है, भावना दे पिछे तर्क चलती है इस्त्री दी, पुरुष तर्क दे पिछे भावना चलती, पहले तर्क, पहले खंडन मंडन। जब दोवें बराबर होन तर्क ते भाव, अकल चाहिए उन्हों समझण लई, हिरदा चाहिए उस नाल जुड़न लई, जिस दिन समतल आउंदे ने कहिंदे ने उस दिन ही असलियत ते सच्चाई मनुख दे अंदरों प्रगट आउंदी है। उस दिन इस्त्री पुरुष का भेद भी मिट जाता है, यह भी मैं अर्ज कर दिया, यह भेद मिट जाता है क्योंकि भाव ते ज्ञान, प्रेम ते ज्ञान दोवें बराबर हो जाते हैं समतल। इसे नू कहिंदे ने इस्त्री पुरुष एक हो गए, और जिस दिन अंदरूनी तौर ते एक हो गए, भाव ते ज्ञान एक हो गया, बाहर भी सब एक दिखाई देता, दो नहीं दिखाई देता। अगर स्त्री स्त्री दिखाई दे रही है, पुरुष पुरुष दिखाई दे रहे है, तो गुरबाणी भी कहती है, धार्मिक इतिहास भी कहता है, ना एक नाल जुड़े है, ना एक नू समझे है, ना एक नू इसने जाने है। ते मैं इतनी भी अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मूल मंत्र एक तो आरंभ आता है, तो जिसनों एक दिखाई देता है तो फिर एक ही दिखाई देना चाहिए है।
मीरा नचदी हुई द्वारकाधीश दे मंदिर दे चली गई। इस मंदिर दे इस्त्री दे प्रवेश दी ममानियत सी, भई इस्त्री नहीं जा सकती, बंदिश सी। उन ते यहूदियां दे मंदिर दे इस्त्रियां नहीं जा सकदियां। इस्लाम दे च भी पुरुषां दी कतार दे च नमाज इस्त्रियां नहीं पढ़ सकदियां। जैन धर्म भी कहिंदा है इस्त्री चोले च मुक्ति भी नहीं है। अगर इस्त्री साधना करे, जप तप करे, इनू अगला जन्म पुरुष दा मिलेगा, फिर जप तप करे, साधना करे, फिर मुक्ति मिलेगी। उंज नहीं, इस चोले च नहीं, इस काया दे च नहीं। इसनू हिंदुस्तान दे बाकी अवतारी पुरुषां ने नहीं मनिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी नहीं मनिया। खैर, मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक मंदिर दे च प्रवेश बंद सी इस्त्री लई, पर जिस ढंग नाल एक गीत गांदी हुई प्रवेश कर रही सी, लोकां दी हिम्मत ना पई उन्हों रोकण दी। एक प्रभाव आंदा है भजन दा, सच्चाई दा, बैराग दा, प्रेम दा, एक अपना प्रभाव आंदा है। और कई दफा ये हड़ दी तरह होवे तो देखण वाले भी उस हड़ दे च बह जांदे ने, किसी नूं रोकण दी हिम्मत नहीं पई भी रोकी है। गीत गांदी अंदर चली गई, पुजारी दे हथ दे च थाल सी आरती उतारण लई, गिर गया। इस्त्री आ गई, एक इस्त्री आ गई, अछूत आ गई, शूदर आ गई, मंदिर भ्रष्ट कर देता। मीरा ने दो बोली सिर्फ कहने, पुजारी अजे इस्त्री इस्त्री दिखाई देंदी है, पुरुष पुरुष दिखाई देंदा है, एक कदों दिखाई देगा। ये मीरा दे बोल, अजे भेदभाव है, कदों तक ये आरती उतारदा रहेगा, कदों तक इस कर्म कांड विच फसिया रहेगा। एक नहीं, अजे भी एक दा बोध नहीं, अजे भी एक दी खबर नहीं। तो खैर, इसनों विस्तार सहित बयान करने तो पहले मैं इतनी अर्ज कर दिया कि परमात्मा भी 100% अपने बोलां राही प्रगट है। केड़े बोल? जो अवतारां दी पकड़ दे चाहे, भरोसा उत्थे करना पएगा। मोहम्मद कहने ने बोल मेरे नहीं ने, खुदा दे ने, नाजल होए ने। गुरु नानक कहने ने बोल मेरे नहीं ने, मैनू बोलना आउंदा ही नहीं। हों आपो बोल न जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जियो। इते खसम दे बोल ने, जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। ये बोल जिन्हां दी पकड़ दे चा जांदे ने, जो सुन लैंदे ने, बस उसनूं अवतार कहिंदे आ। एक 5 साल दा बच्चा है और उसदे सामने किधरे 2 नौजवान 25-30 साल दे गुफ्तगू कर रहे ने, गलबात कर रहे ने। देखण नूं ते असीं कहांगे बच्चा भी सुन रहा है, पर मैं अर्ज करां नहीं सुन रहा, क्योंकि जिस पद्धर दी गुफ्तगू कर रहे ने, इस बच्चे नू की पता, ये नहीं सुन रहा, कतई नहीं सुन रहा। इसनू की पता वो की आख रहे ने। कहिंदे ने एक बच्चे नू कुछ भी नहीं पता जवानी की है, एक जवान नू कुछ भी नहीं पता बुढ़ेपा की है, और एक बुढ़े नू कुछ भी नहीं पता मौत की है। मर के ही पता चलता है मौत की है, इस तो पहले सिर्फ गल्लां ही गल्लां ने। बुढ़े होके ही पता चलता है कि वास्तविक बिरध अवस्था की है, जवान होके ही पता चलता है जवानी की है, इस तो पहले नहीं। ब्रह्म ज्ञानी बन के ही, भगत बन के ही पता चलता है भगवान की है, परमात्मा की है, ईश्वर की है, इस तो पहले नहीं पता चलता। कुछ भी बोध नहीं आता, कुछ भी पता नहीं चलता। तो एक बच्चा वाकई एक बुजुर्ग नु सुन रहा होवे, एक जवान नु सुन रहा होवे, बस देखण मात्र सुन रहा है, नहीं सुन रहा।
कतई नहीं सुन रहा। जो परमात्मा नु सुन लवे वो अवतार है, सीधा सुन लवे ते जो अवतार दे राही परमात्मा दे बोल सुनन दे समर्थ हो जाए भगत है, ब्रह्मज्ञानी है, संत है। मैं लवस फिर दोहरावा, जो सीधा परमात्मा नु सुन सकता है, ठाकुर हमरा सद बोलनता, हर वक्त बोलता पे, हर थां ते बोलता पे, असी सुन रहे हैं, उसनु सुन रहे हैं, वो हर वक्त बोल रहे हैं। जो सीधा सुन लेंदा है बस उसे नु अवतार कहिंदे ने। और जो अवतारां दे राही परमात्मा दे बोल सुनन दी सफल हो जाए बस उसे नु गुरसिख कहिंदे ने, ब्रह्मज्ञानी कहिंदे ने, भगत कहिंदे ने, साधु कहिंदे ने, संत कहिंदे ने। ते किसने गुरु दे राही जाने है ते समझे है ते जुड़े है। गुरु नु सुनना किधरे सौखी खेड़ ना समझ लेनी। कदी कदाई कोई एक कद सुनदा है बाणी, सुनदे असी गुस्ताखी माफ, दो जवाना दी वाशना भरी गल जो गुफ्तगू दे चल रही है, एक पांच साल दा बच्चा सुन रहा है, की सुन रहा है, खाक सुन रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा। चार बुढ़े बैठे ने, वृद्धावस्था दियां मजबूरियां दा बखान कर रहे ने, जिक्र कर रहे ने, ये चार जवान की समझनों की आख रहे ने, कितों दी गल कर रहे ने, नहीं सुन रहे। अगर कोई बच्चा जवान नु सुनन दे सफल हो जाए ये बच्चा बच्चा नहीं रहा, ये महान है अकल दे तलते, ये अकल दे तलते ते जवान हो गया, भावें शरीर दे तलते नहीं होया। अगर एक जवान बुढ़े नु सुनन दे सफल हो जाए तो ठीक है, शरीर भावें इसका बुजुर्ग नहीं होया, यदि अकल ते बुजुर्ग हो गई है, महान हो गई है। और एक बुढ़ा मौत दी आवाज सुन लवे, लोग ते मरदे दम तक भी मौत दी आवाज नहीं सुनदे, मौत बूहे ते खड़ी है, खटखटा रही है, बोल रही है, ता भी नहीं जो है सुनदे उसनु। बल्कि एक आलम दा कहना है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। कहिंदा हद हो गई, तेरी कबर दे उत्ते भी जिंदगी दे बोल, जीवन दे बोल, जन्म दे बोल, मर के भी तेनों मौत नहीं दिखाई दिती। तू कबर ते अपनी वल्दियत लिखी, अपनी जात पात लिखी, अपना नाम धाम लिखे है, तेरे गुण लिखे हुए ने कबरां दे ते, मुसलमान लिखां दे ने, ईसाइयां दी कबरां ते भी मैं देखे ने। लंदन दे गुरुद्वारा साउथ हाल दे सामने कब्रिस्तान है बहुत वड्डा, ते सवेरे शाम थोड़ी जिहा मैनूं टहलण दी आदत है, उत्थे होर कोई जगह है नहीं, मैं कब्रिस्तान च चला जांदा। अंदर सड़क बड़ी हुई सोहनी जिहा, दो तीन चक्कर लाए मील दो मील हो जांदा है, कबरां ही कबरां, ते हर कबर दे उत्ते कुछ ना कुछ उपमा लिखी हुई है उसदी, जिहड़ा कबर दे च पिया है, उहदी वल्दियत, उसका जन्म, फिर उसकी महिमा, पता नहीं उस दे गुण कोई सन के नहीं है, उसके गुण भी लिखे हुए हैं। मैं देखना एक पिंड दे च एक बंदे नू सारे ही भंडते हैं, पर जिस दिन मर जाए फिर सारे ही उपमा कर देना, हैरानगी हो जाती है, मुरदे च खूबियां दिखाई देन लग पैंदियां ने, जीवदे जागदे च नहीं। ये आलम कहिंदा है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवां, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। मर के भी तू नहीं मरिया, तेरी वल्दियत लिखी है, तेरी जात पात लिखी है, तेरी गोत लिखी है, तेरे गुण लिखे हैं, तेरी सिफतों सलाह लिखी हुई है, तेरा जन्म का ठिकाणा लिखे हुआ है, हैरानगी दी गल, मर के भी तू नहीं मरिया। पर जे किसी बच्चे नो मौत दिखाई दे जाए तो ये बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, ये बच्चा संत है। बच्चे नू ते जवानी भी नहीं दिखाई दे सकती, ते जवान दे बोल भी नहीं सुन सकता, मौत दे बोल सुन ले इसने, मौत नू सुन ले, बड़ी वड्डी गल है। कदी कदाई कोई ध्रुव कोई प्रहलाद, कदी कदाई कोई बाबा बुढ़ा,
कदी कदाई कोई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम सहजा साहबजादे ते कदी कदाई वकत दा एक अवतारी पुरश धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। कमाल दी गल उम्र ते कुछ भी नहीं, साढ़े पांच साल दी उम्र। ये अगे दी गल सुनदे ने, अगली किछ खबर ना पाई। महाराज कहिंदे अगे दी किस नूं समझ, किसे नूं भी नहीं। घर विच कोई मर भी गया ते मौत दी किस नूं समझ है। अगली किछ खबर ना पाई, कुछ भी नहीं समझ। मौत दा प्रत्यक्ष सबूत भी सामने मौजूद होवे तां भी मनुख कबूल नहीं करदा, ए मरे है मैं थोड़ी मरना है। पर कबीर कहिंदे ने पाड़ो सी के जो हुआ तू अपने भी जान। जो पड़ोसी दे घर होया है तेरे घर भी होण वाला और तेरे नाल होण वाला है। पाड़ो सी के जो हुआ तू अपने भी जान, पर मौत अगे है हुण अगे दिखाई देवे। वैसे ते कुदरत ने अखां ते अगे बनाईयां, पिछे नहीं लाईयां, अगे देख। और अकल भी इस वास्ते दित्ती अगे दी सोच, लंघ गया पिछला हाथ दे च ही नहीं है। अगे दी सोच, पर अगली किछ खबर ना पाई। रोवन हार भी उठ सिदाई। तो मैं फिर अर्ज करा, एक बच्चा जवान नूं नहीं सुन सकता। और गुरु अंगद देव जी ने तो इस संबंध दो श्लोक लिखे ने बड़े कीमती। नाल इयाने दोस्ती वड्डा रोस्यो न्यो, पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाउ न थेउ। नाल इयाने अपने तो छोटे अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ ममता का संबंध हो सकता है, प्यार का संबंध हो सकता है, मोह का संबंध हो सकता है, दादे ते पोतरे का, प्यो ते पुत्र का, दादी ते पोतरी का। दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती लई समतल चाहिए, विचार वटांदरा चाहिए, विचार वटांदरा। राधा स्वामी एक तर्क पेश करते हैं जिस नाल असी विचार वटांदरा ना कर सकीए, उसनों गुरु किस तरह मान लीए। तो दे ही चाहिए है उन्होंने एक तर्क। कोई इस तर्क नूं पेश करते हैं, पंजाब दे बहुत सारे उन्होंने हथिया लिया है। थां थां ते मैनूं जवाब देना पिया, जिस दे नाल विचार वटांदरा किया जाए उते बराबरी दा है। वो कोई वड्डा थोड़ी है, वो तो कुछ भी नहीं। उन्हों गुरु मनन की की लोड़ है, उन्हों मथा टेकन की की लोड़ है। जिस दे विचार सुन के असी महान हो सकीए। विचार वटांदरा ते कि उहदे विचार मैं सुने, मेरे विचार उसने सुने, मेरे विचारां तो वह प्रभावित होवे, उहदे विचारां तो मैं प्रभावित होवां, मेरे विचारां नूं वह कबूल करे, उहदे विचारां नूं मैं कबूल करां। विचार वटांदरा गुरु नाल विचार वटांदरा नहीं, गुरु दे विचारां नूं सुनना वटांदरा नहीं करना। तू अपना कुछ भी नहीं सुनाना, तू सुनना है, तू सुनना है। अगर जे तू किधरे एक गल गुरु की सुन लवें, बिना बोलिया तेरिया सारिया सुन लेगा। उस इतनी समर्था है, उस इतनी महानता है। तू किधरे सुनते लवें, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरु की मूल गल एक ही आती है, जो एक नाल जोड़ती है, एक द प्रदर्शित कर दी है, एक दी सूझ देती है, एक दी समझ देती है, और एक प्रगट हो सकता है अगर एक गुरु की एक गल सुन ली जाए। हजारां गल्लां रोज सुनते हैं गुरु की, उस दिन की उड़ीक दे किधरे एक गल सुन ली जाए। बच्चा उस दिन जवान की गल सुन लैंदा है, जिस दिन जवान हो जाता है, सुन ली उसने गल।